वफाई। वालेकुम सलाम। इनके टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, माशाल्लाह से ओके हैं। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? शिराज साहब सब ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के केसेस में 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, बट पोस्ट ऑपरेशन के कुछ मसाइल सामने आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह से खैर की दुआ मांगनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ए चैंपियन, अब घर चलने की तैयारी करो। हाँ, होम स्वीट होम। चलो एक मिनट, चलो चैंपियन। कैसा मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। ये देखो अरसल, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। तेरा शुक्र है। तो आप घर जा सकता है ये? हाँ, बस उसी की मैं तैयारी कर रहा था, इसी के लिए शुरू हुआ था कि सब ठीक है ना? इंशाल्लाह, घबराने की कोई बात नहीं है। आप और अरसल जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम घर जा रहे हैं। तुम इतनी उदास क्यों हो गई बेटा? कुछ नहीं पापा, जब आप और अरसल हॉस्पिटल में थे तब मैं रोजाना अरसल से मिलने आया करती थी। हाँ बेटा, तो अब भी मिल सकती हो, अरसल जब रह जाएगा जब चाहो मिलने आ जाओ। मामा, हम लोग अरसल से मिलने पापा के घर जा सकते हैं? जी बेटा। इसमें उदास होने की क्या बात है माँ? तुम दोनों बहन भाई हो, जब चाहे मिल सकते हो। ये बात सच है कि हम अभी एक साथ नहीं रहते, लेकिन तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकती हो, मैं मिलवाने लाऊंगा तुम्हें, और अरसल भी जब चाहेगा मिलने आ जाएगा तुमसे। इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है मां बेटा। चलो चैंपियन। कम ऑन बेट। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी चाहिए जीने की तरह से। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी रानिया, हम दो बहुत मुख्तलिफ लोग, हमारी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। अरे खैर, अब बच्चे हो गए इसलिए निभा गया जितने निभा सकता था। तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई जो छूके गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। वो आज फिर इमिग्रेशन ऑफिसर का फोन आया था।
क्या कह रहा था? वही के आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कनाडा ना जाकर। तुमने क्या कहा उसे? क्या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं? एक बात पूछू जासू? अफसोस तो बहुत होता होगा ना कि मेरी और माम की वजह से नहीं जा सक रहा। अफसोस तो नहीं, मगर पानी एक अपॉर्चुनिटी तो है ना। देखो ना, इस मुल्क में क्या रखा हुआ है, हालात दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं। इमिग्रेशन लॉयर तो कह रहा था कि लोग अपने सगे बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और साहब सौतेली बेटी। साहब जी, क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, बस कुछ खाने को ढूंढ रहा था। शाम के लिए तो खाना बनाया ही नहीं था। अच्छा, वो पैसे नहीं थे, आपने जो कल पैसे दिए थे ना वो खत्म हो गए थे। तो आपने मुझे बता दिया होता, मैं दे देता। आपसे इसलिए नहीं कहा कि आप तो पहले ही परेशान है, मजीद परेशान होंगे। आपने भी खाना नहीं खाया क्या? नहीं बेटा, मुझे तो बस आपकी फिक्र थी। वैसे भी मैं तो बहुत कम खाती हूँ, फिक्र थी मुझे तो अरसल की। दूध थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने उसे वो पिला दिया था। बुआ, बुआ, बुआ आपका शुक्रिया करना था। आप बहुत अच्छी हैं। जीत रहो बेटा। किससे कहें, कैसे कहें, हो ना था जो सो हुआ, ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए जीने की तरह से, जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी बाबा। मेरी जान को नींद क्यों नहीं आ रही? मामा, दरअसल दोबारा से हॉस्पिटल में नहीं आ सकता। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों? मामा, जब तक अरसल हॉस्पिटल में था तब तक हम लोग उससे रोज मिला करते थे और उसके लिए चीजें भी लेकर जाया करते थे। तो बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपके बाबा ने कहा है ना, आपका जब दिल करेगा अरसल आपसे मिलने आ जाया करेगा। लेकिन मामा, रोज रोज तो नहीं मिल सकते ना। Thank you.
क्या हुआ जासर? कुछ नहीं, अभी सो रहा है ना। मैं भी माहम को देखने गई थी। जानता हूं, इसलिए मैंने सिर्फ अवी को देखा कि तुमने सिर्फ माहम को देखा होगा। सिर्फ माहम को ही देखूंगी? ये क्या बात की है तुमने? क्या? मैंने क्या कहा? देखो जासिम, अगर मैं और तुम एक दूसरे से तंज की जुबान में बात करना शुरू हो गए ना, तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें दूरी आएगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तंज नहीं करता, मुझे तंज करने की आदत नहीं। तो फिर क्या बात बुरी लगी है तुम्हें मेरी? क्यों तुमने कहा कि मैं सिर्फ माहम को देख के आ जाऊंगी? हाँ तो क्यों, ऐसा नहीं किया तुमने क्या? तुम जानते हो जासिम, मेरे लिए माहम और अवी में कोई फर्क नहीं है। अवी अब मेरा बेटा है। वो तो माहम को बचपन से आदत है अपने ऊपर से रात को चादर उतार देती है, इसलिए एक दो दफा उठ के देख लेती हूँ। अवी भी कोई खास बड़ा नहीं है, माहम से 6 महीने साल छोटा ही होगा। अभी मैं ऊपर गया था तो वो सर्दी में ठिठर रहा था। तुम्हें लगता मैं अवी को देखती नहीं हूँ? बल्कि मैं तो उसको नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल। अगर ऐसी बात होती ना तो अवी की भी अहमियत होती तुम्हारी नजरों। जैसे मेरी बात तो सुनो, मैं पहले उसी के पास गई थी। भाई जैसे ही साहब पैसे लेकर आएंगे ना, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। और नहीं आपा जी, नहीं, मुझसे और इंतजार नहीं हो सकता। पहले ही आपकी तरफ 1800 रुपए का बिल है, आपने आज पैसे देने का वादा किया, मैं आज पैसे लेके जाऊंगा बस। भाई सिर्फ एक दो रोज की तो बात है। और नहीं आपा जी, ये बर्तन पीछे कीजिए, जब तक आप पिछला हिसाब नहीं देंगी मैं दूध नहीं दे सकता, मुझे आगे भी हिसाब देना पड़ता है आपा जी। क्या कह रहे हो भाई, हमारा अरसल बहुत बीमार है, उसे दूध की बहुत जरूरत है भाई। और कुछ भी हो आपा जी, मैं कल चक्कर लगाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके ना कोशिश करके मेरी पेमेंट का इंतजाम कर दे, मैं और कुछ नहीं जानता। भाई मेरी बात तो सुने, बात तो सुनो भाई। चलो बच्चों, तुम दोनों को स्कूल छोड़ दूं। आप सुनो, आप दोनों जाके गाड़ी में बैठो, मैंने बाबा से बात करनी है। ओके ओके जान, कल तुम्हारा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने तुमसे ये बात नहीं की, लेकिन तुम्हें यह बताना जरूरी है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए अभी भी उतना ही अहम है जितना कि मेरे लिए अरसल और माम है। खुदा की कसम, जितना ख्याल मैं माहम का रखती हूँ उतना ही अभी का भी रखती हूँ, और क्यों नहीं रखूंगी, मेरा बेटा है, मुझे प्यार है उससे। तो घरानिया, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे दोनों बच्चों को अभी की तरह मैंने दिल से लगा कर रखा है। इनफैक्ट माहम की वजह से मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया कैनेडा को रिफ्यूज करके, लेकिन इन सब कुर्बानियों के अगेंस्ट मैं कुछ तो एक्सपेक्ट करता हूँ ना। इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि जब अभी ठिठर रहा हो तो उस पर चादर होनी चाहिए, है ना? मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर तुम फिक्र मत करो,
और अगर मेरी मानो तो तुम अभि को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। बहुत बहुत शुक्रिया सफेद। बस जो ही मेरे पास पैसे आए मैं वापस कर दूंगा। कम ऑन यार, कैसी बातें कर रहा है और क्यों फिक्र कर रहा है? थोड़ी सी बीसी बेवफाई। जी आइए। शिराज साहब, आपका तजुर्बा तो बहुत है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आई एम सॉरी, आई कांट ऑफर यू द जॉब। सर, बहुत बहुत उम्मीद लेके आया था, बहुत जरूरतमंद हूँ इस वक्त, कहीं कहीं भी जगह हो तो। आई अंडरस्टैंड शिराज साहब, बट अगर कोई वैकेंसी आती है वील इन्फॉर्म यू। जी ना, कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला। वही शिराज साहब है, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा था। जी सर, बट आई एम वेरी सॉरी मिस्टर शिराज, दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छूके गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ, सांस लेना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी हवा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से मेरी राहों में दर्द उगते रहे। पांव मेरे छिलते रहे, होना था जो सो हुआ। Thank you.
मैं बहुत बुरा हूं, माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे मुझे माफ कर दे। मैंने खुद पर बहुत जुल्म किए मेरे मालिक, बहुत जुल्म किए मैंने खुद पर, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे या अल्लाह, माफ कर दे। अच्छा तो ये बात है, सोचा था जासिम से शादी हो जाएगी तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन शायद सुकून मेरी जिंदगी मेरे नसीब में है ही नहीं। तुम परेशान मत हो, मेरे ख्याल से तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मियां बीवी के दरमियान छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर तुम फिक्र मत करो। और अगर मेरी मानो तो तुम अभी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, उसी की तरफ तवज्जो दो, फिर देखना चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, जरा से भी कोई टेंशन आ जाती है ना सारा मेरे से हैंडल नहीं होती। मैंने कहा ना कि तुम परेशान मत हो और कोशिश करो कि जासिम के सामने अभी की ज्यादा से ज्यादा केयर करो कि उसे नजर आए। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूं? बेटी की बहुत ख्वाहिश है, बेटी देनी है तुमने मुझे, सीरियसली हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, अभी मैं तुम हमारी बेटी, मैंने तो उसका नाम भी सोच के रखा हुआ है, सीरियसली। थोड़ी सी बेवफाई जासिम, मैं आज डॉक्टर के गई थी। आई एम प्रेग्नेंट। मैं
क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि बेटी भी है हमारे पास, बेटा भी है, तो Come on, रानिया, तुम्हें पता ठीक है, माँ हम अपनी जगह पे, लेकिन अभी है ना, मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश है। बेटी देनी है तुमने मुझे, सीरियसली, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, अभी मैं तुम हमारी बेटी, मैंने तो उसका नाम भी सोच के रखा हुआ है, सीरियसली, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। अब तुम्हें पता है मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गया हूँ। गॉड, यू मेड मी सो हैप्पी, थैंक यू, मी सो हैप्पी। ठीक है, कल मेरी सोहेल साहब से बात हुई है, यू कैन ज्वाइन टुमारो। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एहसानमंद हूँ सर, बहुत ज़रूरत थी मुझे इस नौकरी की। आप फिक्र ना करें सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मेहनत से काम करूँगा सर, कभी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। सर थैंक यू वंस अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मिठाई नहीं, आज हम सब बाहर खाना खाएंगे, घर में खाना नहीं पकेगा। यस यस, और ऐसा करते हैं ना, माम को भी ले चले, ठीक है? तो बाबा हम लोग माम के साथ लेके जा रहे हैं, तो मम्मा को भी साथ ले चलते हैं। बेटा मम्मा को तो नहीं लेके जा सकते। क्यों? बेटा हम अलग अलग हो गए हैं ना, तुमको बताया भी था, अब हम साथ नहीं जा सकते। बाबा जब मैं हॉस्पिटल में बीमार था तब तो आप और मम्मा एक साथ थे। आप बीमार थे ना बेटा, इसलिए तुम्हारी वालदा तुमसे मिलने आई थी, वो एक अलग बात थी। अच्छा बाबा, मैं फिर से बीमार हुई तो आप मुझे हॉस्पिटल लेके चले, सही है? वैसे ऐसी बात नहीं करते मेरे बेटे, बात करते नहीं, ऐसी बात करते मेरे बेटे। आज तो खुशी का दिन है, ऐसी अजीब अजीब बातें मत करो। चलो बुआ फिर तैयारी पकड़े, हाँ रात को हम खाना अच्छी जगह खाएंगे, खूब घूमेंगे, खूब सैर करेंगे। सही है, सही है। ऐसे लेकिन शरारतें मत कर। वहाँ बेटा
तब से आपको आवाजें दे रही हूँ, खाने के लिए क्यों नहीं आई? तबीयत ठीक है? जी मामा। चलो फिर जल्दी से आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं। ओके। चलो मेरी जान, बस थोड़ा सा रह गया, खत्म करो फिर टेस्ट की तैयारी करनी, जल्दी जल्दी। मामा का बेटा, आ आ आ, गुड बॉय, शाबाश, गुड बॉय। मामा बेटा आप भी खा लो ना, आपका भी तो कल पेपर है। मामा आपसे एक बात पूछूं? जी मेरी जान। मामा जब आपका और ये वाले पापा का एक और बेबी हो जाएगा तो हम मुझसे मोहब्बत करना छोड़ देंगी ना? ये किसने कहा है आपसे? हाँ ऐसा क्यों सोच रही है? बताए ना मामा, आप मुझसे मोहब्बत करना छोड़ देंगी ना? मेरी जान कभी भी नहीं, आप तो मामा की सबसे स्पेशल बेबी हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, मामा जितना आपको प्यार करती है ना किसी और को नहीं कर सकती। मामा लव्स यू, ऐसा नहीं सोचना आपने। ओके प्रॉमिस। से समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मामा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है, पहले वो कनाडा का मामला मुश्किल से खत्म हुआ है और अब ये प्रेगनेंसी। देखो रानिया, जब माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो जाए ना तो बच्चे रुल जाते हैं और ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? भले अरसल शिराज भाई के पास रहता है लेकिन बेटा तो वो तुम्हारे ही कहलाएगा ना, और बेटी की शक्ल में माहम भी तुम्हारे पास है और जासिम भाई के पास भी उनका सगा बेटा है अवि। सारा तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तुम्हारे और जासिम भाई के रिश्ते के लिए अच्छा है कि तुम दोनों की अपनी औलाद हो, और उससे तुम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि माहम की जो इस वक्त जहनी कंडीशन है वो आगे जाके मजीद बिगड़ भी सकती है और वो मजीद कॉम्प्लेक्स में भी आ सकती है, सिर्फ इस बच्चे की वजह से। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं माहम के साथ मजीद ज्यादती नहीं कर सकती, मेरे बच्चों ने पहले ही बहुत सफर किया, मैं ये बच्चा नहीं पैदा करूंगी। I'll have this kid aborted. हाँ, क्योंकि तुमने जो माहम के बारे में मुझे बातें बताई हैं वो सुनने के बाद तो यही एक बेहतर फैसला रहेगा। थैंक यू सर, तुमसे बात करके बहुत इत्मीनान हो गया, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना। थोड़ी सी बेवफाई, थोड़ी सी बेवफाई। तुम बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, अभी अभी बहुत छोटा है। समझने की कोशिश तुम खुद करो कि मुझे ये बेबी चाहिए। क्या हुआ?